जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से हम लोग वापस आ गए हैं रोब्लॉक्स में एक और नए गेम प्ले वीडियो के साथ। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसमें लिखा हुआ है बैन 4, तो देखते हैं कि क्या इसमें गार्डन ऑफ बैन 4 का मतलब कुछ समझ में आता है कि कैसा रहने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार गार्डन ऑफ बैन 3 की वीडियो डाली थी और उसके बाद जब हम लोगों ने गार्डन ऑफ बैन 3 खेला था तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो गार्डन ऑफ बैन 3 में ऑफिशियल जो गेम है उसका उसमें वो चीज़ें अवेलेबल थी। तो जैसा कि अभी देखिए हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे एक टेबल पड़ी हुई है और ये सामने एक बंदा बैठा जिसका नाम चेन है और ये कुछ बात कर रहा है इन लोगों से। मगर जैसा ये रूम और आप बहुत सारी चीज़ें देखे, हाथ में बैट पकड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, पीछे आग जल रही, तो क्या ऐसा मतलब गार्डन ऑफ बैन 4 में होगा या नहीं होगा वो तो जब गेम आएगा तभी पता चलेगा। मगर हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों, क्योंकि गार्डन ऑफ बैन 3 में भी हम लोगों ने जब एंटर किया था तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो कि जैसे स्टार्टिंग में जहाँ पे वो पूरा एरिया था जहाँ पे मतलब हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था जो ग्राउंड एरिया था उसमें भी वो बिल्कुल वैसे ही था। और साथ ही साथ जो उसका जहाँ पे बहुत सारी सीट्स और क्रेयॉन्स से जो बने हुए थे सबके मतलब आर्ट बनी हुई थी, ड्राइंग बनी हुई थी, तो वो भी वैसे ही था। तो कहने का मतलब ये है कि गार्डन ऑफ बैन 3 में रोब्लॉक्स में भी वही चीज़ें दिखाई गई थी, तो हो सकता है कि शायद इससे मिलती जुलती कोई चीज़ हो। तो देखिए अभी हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं और ये देखिए हम लोग किसी जंगल में आ गए हैं और यहाँ पे पैर के निशान बने हैं और ये किस चीज़ के निशान है वो तो देखने पे भी पता चलेगा। और यहाँ पे देखिए कोई बंदा है और ये बोल मतलब लिख क्या, अच्छा ये बंधा हुआ है और ये बार बार बोल रहा है कि एस्केप, क्योंकि जो बैन है वो यहीं पर है। और ये देखिए लिख करके आ रहा है कि उसने इसको बहुत सारे लोगों को मतलब ट्रैप करके रखा है और फैक्ट्री से लोग भाग आए थे तो इसको एस्केप करवाना है, उन लोगों को इसको मतलब छुटाना है यहाँ से, कोशिश करनी है पूरी। देखिए हम लोगों ने इसको यहाँ से फ्री कर दिया है और ये देखिए फ्री हो चुका है। ये क्या हुआ, हम लोग वहाँ थे और वहाँ से यहाँ कैसे आ गए। और ये देखिए भाई गार्डन ऑफ बैन 4, जो बैन 4 है वो देखिए आ चुका है और ये देखिए सबका पीछा करने वाला है। तो ये देखिए कितना मतलब कितना, हालांकि कार्टूनी लग रहा है मगर हो सकता है कि गार्डन ऑफ बैन 4 में इस ये सब चीज़ों को हो सकता है लाया जाए, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलें, क्योंकि कहने को कुछ भी हो सकता है भाई, गेम डेवलपर्स हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए हम लोग किसी और सेक्शन में जा रहे हैं और देखते हैं कि हम लोगों को कहाँ ले जाया जा रहा है। तो ये देखिए हम लोग एक रूम में आ चुके हैं और ये पूरा चारों तरफ से सीमेंटेड दीवार है और इसके अंदर देखिए एक और रूम है। तो हाँ, ये हो सकता है कि कुछ इस तरीके का माहौल देखने को मिल सकता है हम लोगों को गार्डन ऑफ बैन 4 में, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पूरा एरिया है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो हो सकता है भाई कि ऐसा कुछ वहाँ पर दिया हो गार्डन ऑफ बैन 4 में। बाकी एक वीडियो है जो कि आने वाली है बहुत जल्द, और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो बंदा कौन है जो गार्डन ऑफ बैन में मेन प्लेयर है, मतलब जो हम लोग जिसको ओन करते हैं, जिसको हम लोग जिसके साथ खेलते हैं, तो वो कौन है और उस वो मतलब है कौन, क्या है उसका चेहरा, कैसा है वो, दिखता कैसा है, तो इसके ऊपर एक वीडियो आने वाली है बहुत जल्द। तो इसके लिए आप प्लीज़ अपना सपोर्ट बना के रखिएगा और हमारे चैनल पे रेगुलर विजिट करते रहेगा, आपको पता चल जाएगा वो वीडियो के बारे में और गार्डन ऑफ बैन की जितनी भी सीरीज़ हैं, जितने भी गेम्स हैं उसमें वो कौन बंदा है जो शुरू से आखिर तक है, वो कौन है, तो आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।